मैं दिवाली मनाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आया हूँ और 3 दिसंबर को पूरे राजस्थान में दिवाली मनेगी। और कांग्रेस के घर में अंधेरा रहेगा। अरे कितने दिन हुए? ये कोटा की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधानसभा में मंत्री की हैसियत से दुष्कर्म की घटनाओं पर ये बयान देता है निर्जलता पूर्वक कि ये मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, चिल्लाते आप अच्छा है, लेकिन एक सेकंड, चिल्लाते आप अच्छा है, लेकिन दिवाली तक तो आप उधर ही मौजूद थे ना, जहाँ धारीवाल साहब ने कहा था, तब तो आपको होश नहीं आया। उस समय भी उनके बयान के खिलाफ तो पार्टी नहीं छोड़ी। क्या कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है? लगभग 30 से 50 लोगों पर आप लोगों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कांग्रेस से नाराज होकर लोग जा रहे हैं बीजेपी में, और हर बार आप खोखा, पैसा, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नाराजगी को आप लोग संभाल नहीं पा रहे। रुक, तेरे को बताते तेरी। कल ही जयपुर में लगभग 100 बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। जब चुनाव आता है कितने लोगों ने किया, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, शीतल मीना ने आज कांग्रेस के बीच में चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। आज हम जो पीछे देख रहे हैं, आज तक के जो दर्शक तमाम देख रहे हैं, ये चंबल का रिवर फ्रंट है, जो इतना सुंदर रिवर फ्रंट है, और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर इसको बनाने का प्रयास किया और बीजेपी ने इसको रोकने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आज हम हम जो वोट मांग रहे हैं वो अपनी 7 गारंटी के नाम पर मांग रहे हैं। हमने 5 साल में जो विकास किया उसके नाम पर मांग रहे हैं। हमने 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी बीमा दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। 10 लाख का एक्सीडेंट का जो बीमा दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। 500 रुपए में जो हमने सिलेंडर दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। ये हुई ना बात। अभी जो सुसाइड केस हो रहा है उसके बारे में, प्लीज 1 सेकंड सर, इतना सुसाइड केस क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये जानना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स। क्या कदम उठाई आपकी सरकार ने? क्योंकि देखिए एक के बाद एक मामले हो रहे हैं। 30 बच्चों ने आत्महत्या की है इसी कोटा में। एक कोचिंग हब में पूरा कोचिंग माफिया चल रहा है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें हैं। मैं खुद वहां पर गई थी, उन्होंने बताया किस तरह की परिस्थितियों में वो लोग। किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का सुसाइड करना बहुत दुखद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार 18% कोचिंग सेंटर्स के ऊपर GST लगाती है और बच्चे और उनके माँ बाप के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, फीस क्या उसको वापस लेंगे? ओम बिलड़ा जी ने यहाँ पर वादा किया था कि मैं 18% GST यहाँ से हटाऊंगा, क्या है हटाया गया? जिस तरह के प्रेशर पड़ रहे हैं कोचिंग के ऊपर, 18% GST लगता है कि नहीं, इन बच्चों से पूछिए आप जरा। मैं जानता हूँ कोटा जो है वो IIT और मेडिकल का कोचिंग सेंटर का हब है। IIT मेडिकल का कोचिंग का कोई भी पेपर राजस्थान में आउट नहीं हुआ है। हाँ। पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज जहाँ तक बात रेप की है या महिला सुरक्षा की, राजस्थान सरकार थोड़ी कराती है। बीच में राजस्थान सरकार, मुझे लगता है आपका सवाल आएगा तो बोलिएगा। किसी भी समाज में रेप या महिला की सुरक्षा नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्या राजस्थान सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की? क्या FIR कंपलसरी नहीं हुई? क्या जो कन्विक्शन रेट है राजस्थान का वो नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा नहीं है? क्या यहाँ पर जो पेंडेंसी रेट थी 51% केसेस जो पेंडिंग थे, क्या वो 11% पर नहीं आए? मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। रेप कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसके प्रदेश में रेप हो, लेकिन यहाँ पर हाथरस जैसी कोई घटना अगर हुई हो तो हम जिम्मेवार हैं, जिसमें पूरी तरह से प्रशासन इन्वॉल्व था। मणिपुर जैसी कोई घटना हुई हो जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व था। ब्रजभूषण सरणजीत सिंह जैसी कोई घटना हुई हो जिसमें स्वयं सांसद इन्वॉल्व रहे हो और सरकार ने एक्शन नहीं लिया हो, तो हम पूरी तरह से कहेंगे कि हमारी सरकार के ऊपर आप प्रश्न पूछिए। नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। मैडम, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान में है, इसका जवाब दीजिए सर। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत, दोनों का जवाब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक के दर्शकों को भी जानना। हिंदुस्तान में 2 जिले हैं, एक मध्य प्रदेश में मंदसौर और दूसरा श्रीगंगानगर। दोनों में स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में भंडार नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहती है, वैट जो है वो जिले वाइज नहीं रहता है, वैट किसी भी राज्य में रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भोपाल में प्राइस जयपुर से ज्यादा है, बीजेपी वाले इसका उत्तर दें। मंदसौर मध्य प्रदेश में हम सवाल नहीं उठाते क्योंकि वहां पर भंडारण नहीं है। गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इसलिए वहां पर किसी भी कंपनी ने अपना डिपो नहीं बनाया है। जनता भीतर भीतर इस महंगाई को लेकर सिसक रही है। पता सबको है कि जनता महंगाई झेल नहीं पा रही है। 3 साल से हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी कमाई पाताल में चली गई है। फिलहाल आप गोदी मीडिया से सतर्क रहा कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए,
आपको गोदी मीडिया से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए।